जो अधिकारीगण अधिकार में रहकर जो लोग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं फिर उनको बोलना जरूरी है कि अगर आपको पॉलिटिक्स करना है तो तुम्हारे स्थान को राजीनामे दो। आओ चाहे होमदाबाद खाली है, भल्की खाली है, वो गलत खाली है, जो बोले का गलत है। तुम सोमनाथ पार्टी हर बात पूछे तो बोलते नहीं राजशेखर पाटिल राजीनामा देना चाहिए। तो सोमनाथ पाटिल ने पूछता है होमदाबाद के 2.5 लाख मतदार वोट डालकर मेरे को जिता लो बोलो। अगर दम रहे तो रिपोर्ट में डालो, कर्नाटक सरकार में भी डालो बोलो, केंद्र सरकार में भी डालो बोलो, देखेंगे कौन गलत है कौन सच है कौन झूठ। This video is brought to you by SS Para Shopping Mall, the complete family ready-made showroom near Ambedkar Circle, Main Road, Ahmedabad. Sangam Electronics and Home Appliances. All types of home appliances are available at Sri Veerabhadra Complex, opposite DCC Bank, Main Road, Ahmedabad. Prince Family Restaurant and Pizza Gallery. All types of pizzas are available. 10% discount on all food items for students near Sindhankera Cross, Shakuntala Patil Residential School, NH65, Ahmedabad. ये जो वीरभद्रेश्वरा यात्रा महोत्सव है, ये जो ये यहाँ पर बहुत ऐतिहासिक यात्रा है, आंध्र तेलंगाना महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये यात्रा में बहुत लोग यहाँ पर भागी होते, तो इसलिए ये साल जो कर्नाटक सरकार का जो निर्देशन है, केंद्र सरकार का जो निर्देशन है, ये कोविड महामारी रोग आने से सभी यात्रा रद्द करना बोलकर बोले, तो इसलिए ये साल जो वीरभद्रेश्वरा पंच कमेटी और मेरे तरफ से जो वीरभद्रेश्वरा यात्रा महोत्सव करना चाहते थे वो यात्रा रद्द करना बोलकर हम निर्णय लिए। जो सरकार का जो उनका गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस के हिसाब से ये काम चल रहा, तो महाराष्ट्र तेलंगाना आंध्र और कर्नाटक के बहुत भाग से बहुत लोग आएंगे। वो लोगों को मैं भक्तादि लोगों को मैं विनती कर रहा हूँ, ये इस साल यात्रा नहीं रहेगा, बिल्कुल आगे साल बहुत बड़ा प्रांत के ऊपर हम यात्रा करेंगे। आप सभी लोगों का सहकार रहने दो और भगवान को जो वीरभद्रेश्वर का जो है आप वहाँ से ही दर्शन कर आप सुखी शांति समाधान से रहिए। आगे आने वाले दिनों में कोविड महामारी जाने के बाद तो नेक्स्ट जनवरी में यात्रा उत्सव बहुत बड़ा भाई बन के हम करेंगे, वो बोलना चाहते हैं। देखो केडीपी सभा में आप लोग सामने ही थे, केडीपी सभा में जो अहमदाबाद में जो काम चल रहा, जो अनैतिक काम चल रहा, ये पुलिस वाले को पूछना भी गलत है। जेपेड में आपको एक बढ़ रहे हैं मालूम होंगे गरीब आदमी का, वो आदमी ना किस में जाएंगे ना किस में आएंगे, फिर वो पूछना भी गलत है। जो अधिकारीगण अधिकार में रहकर जो लोग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं फिर उनको बोलना जरूरी है क्या नहीं? अगर आपको पॉलिटिक्स करना है तुम्हारे स्थान को राजीनामे दो। आओ ठहरो अहमदाबाद खाली है, भल्की खाली है, वो तरफ खाली है, ठहरो बोलने का गलत है। इन्हों सोमनाथ पाटिल बार बार पूछो तो बोलते नहीं राजशेखर पाटिल राजीनामा देना चाहिए। क्या सोमनाथ पाटिल मेरे को जिताया? अहमदाबाद के 2.5 लाख मतदार वोट डालकर मेरे को जिताया। इन्हों बात करे तो राजीनामे दो, क्या इनका मुंह को यही है खाली राजीनामे दो राजीनामे दो। ऐसा करेंगे राजीनामा देंगे वो तो बीदर में जो प्रभु चौहान जी है, भगवान खूबा जी है, शरणु सलगर जी है, उनको तीनों को राजीनामे दो बोलो, चौथा मैं भी राजीनामे दिया तो जाएंगे इलेक्शन को जाएंगे। चलो तैयार हूं मैं, सोमनाथ पाटिल जी मैं तैयार हूं। वो छोड़कर तुम राजीनामे दो। मैं कल मैं TV9 में मैं देखा केंद्र का एक सचिव एक अधिकारी के ऊपर हल्ले किए, फिर वहां पर क्या बोलते हैं, फिर वहां पर क्या करते हैं? मैं तो अधिकारी को कुछ बोले तो है आपको बोल रहे राजीनामे दो बोलकर। सोमनाथ पाटिल को ये बात पूछिए, कल केंद्र का एक सचिव एक अधिकारी के ऊपर हल्ले किए, फिर उसके ऊपर इनका सरकार क्या है, इन्हें क्या करेंगे भाई? इन्हों कुछ काम करने वाले नहीं, बार बार पूछो तो डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार, क्या काम चल रहा है? आप सोचिए, अभी आपको मालूम है विधान परिषद का चुनाव चला, विधान परिषद का चुनाव में जो केंद्र के मंत्री जी है भगवान खूबा जी है
और राज्य के मंत्री जो प्रभु चौहान जी है, शरणु सलगा जी है, बहुत सारे भारतीय जनता पक्ष के मुखंड लोग, एक चैलेंजिंग चुनाव था और उन बार बार बोल रहे थे ये चुनाव हम जीतेंगे, हम इतना लीड से जीतेंगे, कांग्रेस का तो नाम निशान नहीं रहेगा। लेकिन क्या हो गए भाई चुनाव, लोग क्या तीर्मान लिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, एक तरफ बसवराज पाटिल परिवार, और चैलेंजिंग चुनाव तो हमारे को भी, तो क्या हो गया, जब भगवान खूबा जी बोल रहे थे 2600 लोग हमारे पास आकर ग्राम पंचायत के मेंबर नंदनी किए, आप प्रभु चौहान बोले पूरे 3000 लोग, बसवराज जी बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री आने के बाद उस दिन 3000 लोग थे हमारे साथ, फिर रह गए कितना 500 वोट, फिर वो भी तुम ही ले लो भाई बोला भाई, फिर जना निर्णय क्या हो गया, फेफड़ा पाटिल को जीता है। ये लोगों का तीर्मान, अंतिम तीर्मान, और बार बार बोल रहे आगे आने वाले चुनाव, अरे मैं सब देखते यार सोमनाथ पाटिल जी, कितना चुनाव मैं नहीं लड़ा, हर बार आप बोलते चुनाव से पहले हम जीतते जीतते, चुनाव आने के बाद फिर हम जीतने के बाद उन वो करे वहां पर गुंडागर्दी करे, ये क्या बोलने का है मेरे को तो मालूम नहीं। जब हार को हार मानना चाहिए, जीत को जीत, हारे तो एक बोलते जीते तो एक बोलते, सोमनाथ पाटिल जी कुछ अभिवृद्धि काम करो, क्या काम है। और बोले बाप राजशेखर पाटिल परिवार इतना दिन से इंडस्ट्रियल कुछ तो, अरे भाई इंडस्ट्रियल कौन कौन कर सकते, कौन कौन ला सकते, अब आपका डबल इंजन सरकार, केंद्र में सचिव बने, दो बार पार्लियामेंट मेंबर बने, कितना इंडस्ट्रियल है तुम इधर को सोमनाथ पाटिल जी, तुम आओ हमनाबाग कॉन्स्टिट्यूंसी में, हम क्या क्या काम किए लोगों को दिखे जैसा, लोगों को क्या मूलभूत सौंपे रहे हो ना, वो काम हमने क्या किए, आप आपके सर्टिफिकेट मुझे नहीं होना है, मेरे को सर्टिफिकेट होना है लोगों का, थोड़े ही तुम्हारा सर्टिफिकेट लेकर मैं क्या पास फेल तुम्हारा लेना है, जरूरी नहीं लगता मुझे। तो मैं ये बोलना चाहता हूं अभी भी अभिवृद्धि के विषय में अगर मल्लिक हमारे भगवान खोबा जी रहने दो, प्रभु चौहान जी रहने दो, कोई भी रहने दो, हम संपूर्ण सहकार देने के लिए हम तैयार है। यहाँ पर बहुत कुछ इश्यूज है, आज बीदर डिस्ट्रिक्ट में पानी आकर कितना नुकसान है, कोई आए उमनाबाद में कितना इश्यू है, फैक्ट्री जब एक साल पहले भगवान खोबा जी थे प्रभु चौहान घोषण किए हम 2400 हम रहित लोगों को देंगे, बोकर खाली 1950 दिए, आज तक कुछ दिए उनको पैसा, रहित लोगों कहां पर है, क्या है उनका। जब सिद्धरामैया का सरकार में जब हम कांग्रेस पार्टी ने बोले थे हम 300 रुपए देते, बोकर हम सिद्धरामैया साहब को बोकर राज्य के मुख्यमंत्री थे, राज्य भर में 1800 करोड़ रुपए ज्यादा देकर वो लोगों का, रहित लोगों का हमने काम किए। फिर अभी प्रभु चौहान करना है ना, 2400 बोकर कौन बोले, खुद प्रभु चौहान साहब ही बोले, आज उसके बारे में बात करने को तैयार नहीं। अभी फैक्ट्रियों का क्या है, बीदर सागर सकर कारखाने आपके सामने, सरमान्य सुभाष कल्लू जी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कुछ एक कर पाप उन्होंने फैक्ट्री चालू किए, आज तक उनको सरकार सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर सोमनाथ पाटिल जी कहां पर है, डबल सरकार, अरे फिर डबल सरकार है तो फिर तुम वो फैक्ट्री को 25 करोड़ रुपये दिलाना था सोमनाथ पाटिल जी, भगवान खूबा जी है, प्रभु चौहान जी है, वो कुछ भी नहीं, डेवलपमेंट करो भाई, डेवलपमेंट करो, लोग तुम्हारे को सहकार देंगे। अभी परसों के दिन जो विधान परिषद चुनाव में आप लोग तिरस्कार किए, अभी बार बार बोल रहे फिर चुनाव, अरे भाई हम तो तैयार है, जिला पंचायत का चुनाव है, तालुक पंचायत का चुनाव है, फिर 2023 में एमएलए का चुनाव है, हर चुनाव को हम रेडी हो गए, उसमें कोई उन्हू ठहरे इन्हू ठहरे मगर कोई बात नहीं है, कौन ठहरे तो भी ठहरने वाले, क्या इन्हू ठहरे तो अलग उन्हू ठहरे तो अलग, ऐसा कोई है नहीं। अब कितने दिन से कोई है, राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा है, कांग्रेस है, जनता दल एक कर्नाटक रीजनल पार्टी है, कोई तो कोई है, बीएसपी से भी एक आदमी ठहरेगा, मुस्लिम लीग से भी एक आदमी ठहरेगा, थोड़े उन्हू ठहरते इन्हू ठहरते मगर कुछ अमर कोई है, कौन ठहरे तो भी पार्टी से तैयार है। मैं तो उसके बारे में करूँ ना भाई, तुम्हारा सरकार है ना, इंक्वायरी मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो खुद वो कन्नड़ में बोलते कुंबड़ के कल्ला बोलो तो बेनी गिड़को नोट रहे थे यार मारते है करा ये लग क्रमांक ले, ये तो मैं बीदर कैडिट में बोला हूँ, लैंड का माफिया क्या चल रहा, शराब का माफिया क्या चल रहा, यहां पर कोई किसी को बोलने से नहीं है, हर लोग देख चुके, देख देकर थक गए, इन्हों किसके किसके पास लैंड कैसा कैसा लिए, सब माफिया मालूम है इसमें, कोई मैं तो बोल रहा ना भाई, देखो अब सरकार किनका है जी, अपोजिशन वाले बोल रहे बोले तो सरकार किनका है सरकार उनका है, चलो इंक्वायरी को दालो बोलो,
दारो बोलो, अगर दम रहे तो इंक्वायरी को दारो बोलो, कर्नाटक सरकार में भी दारा बोलो, केरल सरकार में भी दारा बोलो, देखेंगे कौन गलत है, कौन सच है, कौन झूठ है। एक बार लोगों के सामने आने दो, बार बार बोलते डबल इज्जत डबल इज्जत। करो भाई, तुम्हारे पास सरकार है ना, अगर गलती कोई भी कर रहे हो, अगर गलती ये बंदा करे तो उसको जाने दो जेल में, परप्पन आगरा में जाने दो, कोई भी रहने दो। अरे सरकार तुम्हारे हाथ में है ना, बोल रहे थे होम मिनिस्टर के पास गए, हम होम मिनिस्टर को बताए यहाँ का हमलावर का केडी पे। अरे होम मिनिस्टर को आप अब देख रहे, होम मिनिस्टर के साथ बैठकर, चीफ मिनिस्टर के साथ बैठकर बहुत 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 ये हो गए मेरे को। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो होम मिनिस्टर को आप जो केडीपी के बारे में बताए उससे कुछ होने का नहीं है, और मुख्यमंत्री को जो मुख्यमंत्री से भी एक बार तुम क्या करो, प्रधानमंत्री को जाकर दे हमनाबाद केडीपी में ऐसा हो गया होगा, फिर प्रधानमंत्री साहब क्या करेंगे, क्या निर्देशन देंगे, हो जाएगा देखेंगे। अरे मेरा अधिकार है, एक क्षेत्र का एमएलए मैं हूं, मेरा प्रेसिडेंटी पे केडीपी मीटिंग हो जाता, मैं जो निर्णय लेना है, मैं जो अधिकारी को बोलना है मेरा काम है। मैं थोड़े ही अधिकार को ऊपर बिठाओ, मेरे सिर के ऊपर बैठने का काम नहीं कर सकते। अधिकार को अच्छा काम करो बोलने का भी गलत है। अब इनका ऐसा क्या क्या देने के दो लो करो, उसके उसमें चलता काम इनका, ऐसा कोई ये नहीं। इसलिए मैं ये लोगों का भी एक ये वीएससीएन सोसाइटी का एक है, अभी मेरे को टाइम हो गया, ये हमनाबाद वीएससीएन का व्यवहार का, इसमें जो लोग 3.5 करोड़ रुपए एफडी रखे उसको 7 करोड़ हो गया, वहां पर कुछ भी अकाउंटेबल नहीं है। और गढ़वंती में एक बिल्डिंग बनाए जो गोदाम बोलते हैं, उसका एस्टिमेट कॉस्ट है 13 लाख, वहां पर विड्रॉल हो गया 34 लाख। कैसा विड्रॉल हो गया मुझे पता नहीं। और जो सोसाइटी में 16 लाख रुपए का खात रहना चाहिए वहां पर अकाउंट में, 1 रुपए का खात नहीं है। किधर गए 16 लाख रुपए का खात, कौन लिए, किसने जिम्मेदारी उसका। और बीटीपी बोलकर लोन लिए 90 लाख 1 करोड़ रुपए तक, तो कुछ लोग बोल रहे हमने लिए, तुम लिए कौन भाई। फिर ये सब बहुत सारे है, मैं यात्रा होने के बाद फिर मैं विस्तार से इसका पूरा प्रूफ के साथ, इसका कौन कौन अवधि में क्या क्या हो गया, 2-4 साल में कितना वो कहां पर बैठा, और ये वीएसएसएस सोसाइटी कैसे था, ये बीदर डिस्ट्रिक्ट में हमनाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में नंबर 1 था। अभी इसका सोसाइटी का हालत 99-101 को गया, तो ये हालत आने के लिए कौन होता है, कौन जवाबदारी होता है, वो आगे आने वाले दिनों में ये लोगों के मालूम हो जाएगा। और ये लोग रईत लोग जो एफडी रखे वो लोगों का हालत क्या रहेगा, जो 3.5 करोड़ रुपए रखे 7 करोड़ हो गए, 7 करोड़ कौन देना। अब वो रईत लोग कैसे है, गरीब लोग रखे, वो लोग बोलेंगे उनका बच्चों का शादी है, कुछ है, कई के वास्ते रखे हो, कल उन कहां पर जाएंगे। इसलिए मैं पूरा इसका सरकार जो रजिस्टर होता और राज्य में कौन होता उसके साथ सब बात करके इसके बारे में पूरा विवरण में देता हूं। देखो हमनाबाद जनता को मैं ये विनती करना चाहता हूँ, ये वीरभद्रेश्वर का यात्रा बहुत बड़ा पैमाने पर होता, लेकिन ये साल हम यात्रा रद्द करने का हमने घोषणा किए, जो राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का जो गाइडलाइंस है। और जो हमनाबाद में जो भक्तादि लोग हैं, हमनाबाद का जो भी लोग जो वीरभद्रेश्वर को चलते हैं, मैं उनको भी विनती करता हूँ, आप लोगों का सबका सहकार होना चाहिए, सब मिलकर ये काम करना है, आपका भी सहकार होना चाहिए बोलते हैं।